एंडोथर्मिक रिएक्शन एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। प्लीज ध्यान दीजिए, एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है और एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है। प्लीज तो सबसे पहले एक्सोथर्मिक क्या लिखा है बेटा, एक्सो, एक्सो का मतलब होता है, एक्सो का मतलब होता है रिलीज करना। क्या करना बेटा, रिलीज करना। एक्सो का मतलब क्या होता है, रिलीज करना। थर्मिक का मतलब, थर्मिक का मतलब होता है हीट एनर्जी। थर्मिक का मतलब क्या होता है बेटा, हीट एनर्जी, हीट एनर्जी। हम हीट एनर्जी को क्या करेंगे यहां पर, रिलीज करें। हम हीट एनर्जी को क्या करने वाले हैं, रिलीज करने वाले हैं। तो देखिए, इन विच रिएक्शन, ऐसी रिएक्शन जहां पर हम क्या करने वाले हैं, रिलीज किसको, हीट एनर्जी को, उसी को हम क्या कहेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इतना समझा बेटा, आई रिपीट, इन विच रिएक्शन रिलीज द हीट एनर्जी दैट इज कॉल्ड एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इतना समझा। अब एंडोथर्मिक, एंडो का मतलब होता है एब्सॉर्ब करना। क्या करना बेटा, एब्सॉर्ब। और थर्मिक का मतलब मैंने बताया है हीट एनर्जी, हीट एनर्जी। तो देखो क्या लिखा रहेगा, इन विच रिएक्शन द एब्सॉर्प्शन, एब्सॉर्प्शन ऑफ हीट एनर्जी आर कॉल्ड एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। ऐसे केमिकल रिएक्शन जिसमें हम हीट एनर्जी को क्या करेंगे, एब्सॉर्ब करेंगे। हीट एनर्जी को क्या करेंगे, एब्सॉर्ब करेंगे, उसको हम क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन। फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा है ना, जैसे कि कोई हम एक कंपाउंड ले लेते हैं या तो कोई कोयला ले लेते हैं, कोयले को जलाने के बाद क्या निकल जाएगा, हीट एनर्जी रिलीज होती है। हीट एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। ये देखा है आपने, देखा सही है। उसी तरीके से अगर मैं बात करूं, जैसे कि मैं बात करूं, आपने देखा होगा कभी घर पे आपने चूना लाया होगा, जो हम जिससे हम वॉल को क्या करते हैं, रंगाते हैं है ना, वॉल को हम वाइट वॉश करते हैं। चलो तो वैसे ही वो चूना जो होता है, आप क्या करोगे, एक कंटेनर लोगे, कंटेनर में पानी लोगे, अगर उसमें डालोगे आप तो चूना क्या होने लगेगा, गर्म होने लगेगा, मतलब आजू बाजू से हीट निकलने लगेगी है ना। जैसे जैसे आप उसमें चूना डालते जाओगे, डालते जाओगे, कैल्शियम कार्बोनेट डालते जाओगे, वो क्या होते जाएगा, हीट रिलीज होती जाएगी। तो जो हीट रिलीज हो रही है उसको हम कौन सी रिएक्शन बोलते हैं बेटा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और ऐसी रिएक्शन जिसमें हमको हीट देनी पड़ती है, हीट देनी पड़ती है मतलब एक कंटेनर दिया, पानी गर्म करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, हीट देनी पड़ेगी अलग से, तभी पानी गर्म होगा। ऐसे गर्म हो जाएगा क्या, नहीं। तो उनको हम क्या बोलेंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन। एनी कंफ्यूजन, बड़ा आगे चलो। इन दिस रिएक्शन टेम्परेचर इंक्रीज। अब मुझे बताओ, अगर कोई भी रिएक्शन, अगर हीट एनर्जी रिलीज हो रही है, हीट एनर्जी को बाहर फेंक रहा है, बराबर है, जैसे कि कंटेनर है, सही है, कंटेनर, अगर ये कोई चीज अगर मैंने इसमें डाल दी, जैसे कि आपने अभी कैल्शियम कार्बोनेट डाला CaCO3, बराबर है, जैसे ही इसके अंदर डालोगे तो ये पानी गर्म होने लगेगा और आगे वाले से हीट निकलने लगेगी, बराबर है। तो हीट निकलने लगेगी तो जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर वो कैसा होगा बेटा, इंक्रीज होगा। इसका टेम्परेचर क्या होता रहेगा, इंक्रीज होता रहेगा। इन दिस रिएक्शन टेम्परेचर डिक्रीज, इस रिएक्शन में टेम्परेचर क्या होता रहेगा, डिक्रीज। अगर कोई गर्म चीज है, जैसे कि मैंने गर्म कर दी कोई चीज, गर्म कर दी तो मुझे बताओ कुछ देर बाद वो क्या हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी, बराबर है। तो इन दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन में, एंडोथर्मिक रिएक्शन में, अगर आप हीट एब्सॉर्ब कर रहे हो तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, इसका डिक्रीज होने लगेगा। द वैल्यू ऑफ चेंज इन हीट एनर्जी इज निगेटिव। यहाँ पर हीट एनर्जी की जो वैल्यू रहती है वो कैसी रहेगी बेटा, निगेटिव रहेगी। हीट एनर्जी की वैल्यू कैसी रहेगी, यहाँ पर निगेटिव रहेगी। लेकिन एंडोथर्मिक रिएक्शन में यहाँ पर जो चेंज इन हीट एनर्जी है, चेंज इन हीट एनर्जी है वो कैसी रहेगी, पॉजिटिव। और यहाँ पर कैसी रहेगी बेटा, हीट एनर्जी निगेटिव। ये बात ध्यान रखना है, एक्सोथर्मिक में क्या रहेगा, निगेटिव, और एंडोथर्मिक में हीट एनर्जी की वैल्यू
उसी के साथ साथ क्या मिलेगी, हीट। हीट मतलब जो हम जलाएंगे तो आग निकलने लगेगी तो क्या मिलेगा आपको, हीट मिलेगा। उसी तरीके से इस एग्जांपल में लिखा हुआ है नाइट्रोजन को हीट किया मैंने, नाइट्रोजन को हीट किया, हीट किया मतलब उसको क्या दिया मैंने अलग से हीट एनर्जी, सही है, विद ऑक्सीजन, है ना, कितने डिग्री सेल्सियस पर बेटा 300 डिग्री सेल्सियस पर, तो आपको क्या मिलेगा नाइट्रिक ऑक्साइड, क्या मिलेगा नाइट्रिक ऑक्साइड, कौन सी गैस मिलेगी नाइट्रिक ऑक्साइड। देखो यहाँ पर हीट देनी पड़ी, देखो यहाँ पर प्लस किया हुआ है, यहाँ पर ये देखो CO2 प्लस हीट रिलीज हो रही है, मतलब हीट यहाँ से रिलीज हो रही है और यहाँ पर हीट हम दे रहे हैं, समझ रहे। तो ये था आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन। उसके बाद बेहतरीन क्वेश्चन हमारे पास लिखा हुआ है डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। अब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है, प्लीज ध्यान देंगे, ऑक्सीडेशन क्या लिखा बेटा ऑक्सीडेशन, ऑक्सी का मतलब होता है ऑक्सीजन और डेशन मतलब एडिशन, ऑक्सीजन का एडिशन, ऑक्सीजन का एडिशन, इतना याद रखना है बेटा आपको, ऑक्सीजन का एडिशन। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन का एडिशन। तो देखो मैंने क्या लिखा हुआ है आपको समझ में आएगा, जिस रिएक्शन में इंडेक्स रिएक्शन एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का क्या होगा एडिशन, और जिस रिएक्शन में रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होगा, हाइड्रोजन यहां से निकल जाएगा कोई भी रिएक्शन देखो बराबर है, जिसमें से हाइड्रोजन अगर बाहर जा रहा है निकल रहा है रिलीज हो रहा है ना रिमूव हो रहा है उसको हम क्या बोलेंगे ऑक्सीडेशन। और उसी तरीके से अगर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है किसी रिएक्शन में तो उसको हम क्या बोलेंगे ऑक्सीडेशन, कोई कंफ्यूजन। अब इसी का उल्टा क्या होगा बेटा रिडक्शन होगा, है ना, जिस रिएक्शन में क्या रिलीज होगा मतलब क्या बाहर निकलेगा ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन रिमूव हो जाएगा और हाइड्रोजन का क्या हो जाएगा एडिशन, बिल्कुल इसका उल्टा, उसको हम क्या बोलते हैं रिडक्शन बोलते हैं, समझ गया, ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन का एडिशन हाइड्रोजन का रिमूवल, बराबर है, हाइड्रोजन यहां से क्या हो जाएगा रिमूव हो जाएगा। रिडक्शन, रिडक्शन किसे बोलते हैं जिसमें रिमूवल ऑक्सीजन होगा, ऑक्सीजन रिमूव होगा और हाइड्रोजन क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट, यहां पर इस रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, समझ गया, कोई भी रिएक्शन आप इलेक्ट्रॉन समझते हैं बेटा, जैसे कि हाइड्रोजन होता है और हाइड्रोजन के आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं सिंगल इलेक्ट्रॉन, अगर ये सिंगल इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है क्या कर देता है बेटा लॉस, है ना, लॉस करता है इलेक्ट्रॉन, तभी तो आप बनाते हो H2O ऑक्सीजन को देता है, समझ गया, ये लॉस करता है। तो वैसे अगर कोई इलेक्ट्रॉन, अगर कोई एलिमेंट आपका इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है जैसे कि हाइड्रोजन, है ना, जैसे कि सोडियम, सोडियम है ना, सोडियम का ऊपर प्लस चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, चलो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर होता है तो उसको भी हम क्या बोलेंगे ऑक्सीडेशन, और जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं एक्सेप्ट करते हैं, जैसे कि Na अपना एक इलेक्ट्रॉन किसको दे देता है बेटा Cl को दे देता है, तो Cl ने क्या किया एक्सेप्ट किया और इसने क्या किया बेटा डोनेट किया मतलब लॉस किया, सही है, इसने लॉस किया मतलब इसका क्या हुआ ऑक्सीडेशन, और इसने एक्सेप्ट किया एक इलेक्ट्रॉन इसने एक्सेप्ट किया तो वो क्या होगा बेटा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसी प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे रिडक्शन, समझ गए, इतना जो गेन करेगा एक्सेप्ट करेगा इलेक्ट्रॉन को वो प्रोसेस कौन सी होगी रिडक्शन, और जो लॉस करेगा इलेक्ट्रॉन को उसको हम क्या बोलेंगे ऑक्सीडेशन। ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन रिड्यूसिंग एजेंट गेट्स ऑक्सीडाइज्ड, रिड्यूसिंग एजेंट, अब देखिए जैसे कि ऑक्सीडेशन करना है बेटा कौन सी प्रोसेस करना है ऑक्सीडेट, तो मुझे क्या बताइए ये जो ऑक्सीजन है ये किसमें ऐड होना चाहता है कार्बन में, तो कार्बन हो गया रिड्यूसिंग एजेंट, ये कौन सा एजेंट है बेटा रिड्यूस होगा और यहाँ पर ऑक्सीजन का ऐड हो जाएगा ऑक्सीडाइज हो जाएगा मतलब क्या बनेगा CO2। वैसे ड्यूरिंग रिडक्शन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट गेट्स रिड्यूस, है ना, अब मुझे क्या बताइए ये है आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये है आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ये हाइड्रोजन यहाँ पर क्या हो जाएगा रिड्यूस हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा मतलब ऐड हो जाएगा, समझ गया, इसको हम बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसको हम बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट, जिसमें हम ऐड करते हैं
रिड्यूसिंग एजेंट है ना, जहां पर हाइड्रोजन ऐड होगा, जिसमें हाइड्रोजन ऐड होगा उसको हम क्या बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जिसमें ऑक्सीजन ऐड होगा उसको हम क्या बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये क्या हो जाएगा, ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज होगा, हाइड्रोजन रिड्यूस हो जाएगा। समझ गए इतना? तो ये था डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, है ना। मेरे वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो अगर